5 second, 2 second, ready. महोदय, माननीय सदस्य रोडेशिया को लेकर ठीक ही उत्तेजित हैं। भारत सरकार पृथक हो जाने वाले शासन द्वारा अपने आप को गणराज्य घोषित करने के निर्णय को एकदम गैर कानूनी मानती है। सरकार रंगभेदी शासन के विरुद्ध विश्व समुदाय तथा अफ्रीकी राज्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को समर्थन देना जारी रखेगी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस क्षेत्र के लिए किसी भी संविधान में एक बहुजातीय समाज में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हमारा यह भी अभिमत है कि ऐसी विश्वव्यापी कार्यवाही संवेत होकर की जानी चाहिए, जिससे बहुसंख्यक अफ्रीकियों के शासन से पूर्व स्वाधीनता नहीं के सिद्धांत पर आधारित रोडेशिया की स्वतंत्रता की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। हमारे सामने आज मूल विषय है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ती है, बल्कि यह है कि एक भारतवासी दूसरे के साथ कैसा रिश्ता बनाए रखेगा। क्या वह अपने सभी देशवासियों को समान समझेगा? क्या वह यह विश्वास पनपाएगा कि कुछ लोगों को अन्य लोगों से अधिक अधिकार मिले हुए हैं? अगर मतभेद हैं, जो किसी भी समाज में हो ही सकते हैं, तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? हिंसा का सहारा लेकर या बातचीत से और समझ बूझ के साथ हमें जो कुछ विशेष मूल्य विरासत में मिले हैं, वे भूतकाल के द्वारा नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे प्रशिक्षण द्वारा मिले हैं। मैं यहाँ यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि भारत का जो चित्र हमारे मन में है और हम जिन तरीकों के इस्तेमाल और उनके कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प हैं, वे निश्चय ही वैसे नहीं हैं जैसे विपक्ष के माननीय सदस्यों और उनके दल के हैं। उन्होंने भारतीयकरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत की समस्याएं अद्वितीय ढंग के भारतीय समाधान की अपेक्षा रखती हैं, जिसका आधार हमारी जीवन पद्धति, हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं हों। इसलिए अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश से प्यार हो और वह देशभक्त हो, तो इससे किसी को कोई भी विरोध नहीं हो सकता और मुझे निश्चय ही कोई विरोध नहीं है। इसके लिए भारतीयकरण की किसी विशेष अवधारणा की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनका सिद्धांत इतना निर्दोष नहीं है। माननीय सदस्य किसी ऐसे उजागर नियम को प्रस्तुत करने के लिए अपनी शक्ति का क्षय नहीं करेंगे। उनका तथा उनके समान विचार रखने वालों का बहुत निश्चित उद्देश्य है।
स्पष्ट है कि उन्होंने यह फैसला स्वयं करने का बीड़ा उठाया है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। यह मेरी समझ से बहुत ही घातक स्थिति है। जब कभी भी कोई समूह स्वयं यह निर्णय करने का निश्चय करता है कि कौन भारतीय है कौन नहीं, तो गड़बड़ी अवश्य ही पैदा होती है। महोदय, माननीय सदस्य ने यहाँ जो कुछ कहा और उनके अन्य सहयोगियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा है, उस पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि इन सबका डटकर जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहूंगी कि किसी कथन की कसौटी यह नहीं है कि उसे हम स्वयं किस रूप में समझते हैं, बल्कि यह है कि हम जिस जनता के लिए वक्तव्य देते हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से भारत माता का प्रत्येक शिशु एक अच्छा भारतीय है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संबद्ध कानून तथा सक्षम अदालतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह काम किसी राजनैतिक दल या समूह के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अपने देशवासियों के भारतीयकरण की वकालत करते हैं, उनका वास्तविक इरादा किसी भी राजनैतिक दल या समूह की किसी भी वाचालता द्वारा नहीं छिपा रह सकता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि उच्चतम न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान संपूर्णतया है। वास्तव में इस देश के प्रत्येक निवासी को न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखना चाहिए। न्यायालयों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गई है। यहाँ तक कि शासन के तीनों ही भाग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन महोदय संविधान ने ही हमें कतिपय निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। उन्हें कार्य रूप देते हुए निर्वाचन संबंधी कठिनाइयां उठ खड़ी हो सकती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। भूमि सुधार आदि विषयों से संबद्ध हमारे अनेक विधेयकों को प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा है, और उज्जैन में मैंने इसी बात की चर्चा केवल एक छोटे से वाक्य में की थी। लेकिन जब कभी हमारे किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है, तब हमने संविधान की सीमा में रहते हुए सुधार के उपाय किए हैं, क्योंकि प्रत्येक सजीव संविधान में यह क्षमता निहित होती है कि वह बदलती हुई जरूरतों और इतिहास की नई ताकतों का समुचित प्रत्युत्तर देता रहे। जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में कहा।